एंग्लो इंडियन न्यूज़ सच की तह तक। दर्शकों नमस्कार, खबर बांगन नाव से जहां चौधराना मोहल्ला स्थित रामलीला मंच पर बीते दिन राम केवट संवाद सुन भाव विभोर हुए भक्त। मंगलवार को राम वनवास निषाद राज और केवट संवाद का मंचन किया गया। मंचन के तहत राजा दशरथ से कैकेयी ने दो वर मांगे, जिसमें एक में राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरे में भरत को राज सिंहासन। इसके बाद राम सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल गए। वन को निकलते समय का दृश्य बहुत ही लोगों को भावुक कर देने वाला था। इस दौरान राम लक्ष्मण सीता वनवास संगवेरपुर पहुँच कर रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन सुबह निषाद राज केवट से गंगा पार जाने के लिए नाव की व्यवस्था करने का आदेश देते हैं। केवट ने जब सुना कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम नदी के तट पर भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ खड़े हैं, तो वह वहां जाकर राम को दंडवत प्रणाम करता है। केवट घर से कठौता लेकर आया और अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। उसकी भक्ति से खुश होकर देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उधर केवट राम के चरणों को पखार कर अपने पितरों को उतार देता है। श्री राम नदी पार होने के बाद केवट को उतराई के रूप में कृष्ण देने के लिए आत्मज्ञान महसूस करते हैं। कहते हैं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो कहता है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोस्त दुख दारिद्र दावा। केवट भगवान राम से उतराई नहीं लेता है, मल्लाह मल्लाह से उतराई नहीं लेता है। उसने कहा कि आज मैंने आपको गंगा पार किया, जब मैं आपके धाम आऊँगा तो आप भवसागर से पार कर देना। इस मौके पर रामलीला समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह गोलू ने आरती उतारी। सुधीर कुमार मिश्रा, कृष्णकांत श्रीवास्तव, अक्कू गुप्ता, चौधरी मुनीश सिंह, सुनेश सिंह, चौधरी राजू, ओम नारायण श्रीवास्तव आदि ने व्यवस्था संभाली। बांगा में उन्नाव से मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर नवीक समाचार देंगे। संसार बदल जाता है।